हाय गाइस, यार पिछली क्लास में हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट विद प्रिम्प्टिव मेथड यानी कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट की बात की थी। इस क्लास में हम लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट की बात करने वाले हैं। किस जॉब की बात करने वाले हैं? लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट की। आइए शुरू करते हैं। ठीक है जी, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट यानी कि नाम से ही क्लियर है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट मतलब कि बस टाइम सबसे कम, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट मतलब बस टाइम सबसे ज़्यादा। इसका कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं? प्रिम्प्टिव मेथड, नॉन प्रिम्प्टिव मेथड। अभी अभी कौन सा मेथड? नॉन प्रिम्प्टिव मेथड, मतलब अगर एक बार प्रोसेस को शेड्यूल कर दिया तो उसको बीच में फोर्सफुली नहीं रोकेंगे, उसको बीच में फोर्सफुली नहीं रोकेंगे। आइए जानते कैसे करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 0 1 2 3 4, बस टाइम है 2 3 4 6 5, 2 3 4 6 5। ठीक है जी, ये बस टाइम है। आइए बनाकर देखते हैं कैसा बनेगा। तो जीरोथ पर सबसे पहले प्रोसेस कौन सी है? P1। अभी कोई और प्रोसेस है ही नहीं यार, अभी कोई प्रोसेस है ही नहीं, किससे बस टाइम कंपेयर करूँ? तो ये तो पूरी की पूरी रन हो जाएगी 0 से 2 तक। अब 0 से 2 के बीच में ये P2 और P3 आ गई, अब इनका बस टाइम कंपेयर कर सकता हूँ। इसका 3 है, इसका 4 है, तो कौन सी चलनी चाहिए लॉन्गेस्ट में? तो लॉन्गेस्ट में P3 चलनी चाहिए, क्योंकि इसका बस टाइम ज़्यादा है। तो 2 से 6 तक ये चल गई। ठीक है, अब यार ये सारी की सारी आ चुकी है, P2 भी है, P4 भी है, P5 भी है, दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं, दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं। तो P2, P4, P5 में सबसे बस टाइम किसका ज़्यादा है? P4 का। तो कौन सी एग्जीक्यूट होगी? P4 एग्जीक्यूट होगी। P4 एग्जीक्यूट कब तक हुई? 6 सेकेंड यानी कि 12 तक। उसके बाद किसका ज़्यादा है? P5 का। तो P5 एग्जीक्यूट होगी यानी कि 17 तक। उसके बाद किसका ज़्यादा है, मतलब लास्ट ही बची होगी आई थिंक, P2, P2 विद 3 यानी कि 20 तक। ठीक है जी, P2 रन हो गई 20 तक। तो ये बनेगा आपका इसका चार्ट, ठीक है, गैंग चार्ट इसका ये बनेगा। ठीक है, तो अब कंप्लीशन टाइम लिख लेते हैं। P1 का कंप्लीशन टाइम 2 सेकंड, P2 का कंप्लीशन टाइम 20 सेकंड, P3 का कंप्लीशन टाइम 6 सेकंड, P4 का 12, P5 का 17। ठीक है, तो टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 2 माइनस 0 2, 20 माइनस 1 19, 6 माइनस 2 4, 12 माइनस 3 9, और 17 माइनस 4 हमारा 13। ठीक है, तो ये आ गया टर्न अराउंड। कंप्लीशन टाइम कैसे, वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं? टर्न अराउंड टाइम माइनस बस्ट टाइम। 2 माइनस 2 0, 19 माइनस 3 16, 4 माइनस 4 0, 9 माइनस 6 3, 13 माइनस 5 8। ठीक है जी, तो 8 आ गया ये। तो ये आपका वेटिंग टाइम आ गया, टर्न ऑन टाइम आ गया, टोटल यहाँ पे निकाल लोगे आप, और एवरेज भी आपको निकालना आता है। कैसे निकालोगे? टोटल वेटिंग टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, यानी कि टोटल वेटिंग टाइम आ रहा है, मान लीजिए आपका 27 आ रहा है, 27 आ रहा है, तो 27 डिवाइड बाय 5 इजिकल टू 5.4, ये आ गया आपका एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या होता है, जिसका बस टाइम सबसे ज्यादा होता है, जिसका बस टाइम सबसे ज्यादा होता है उस प्रोसेस को सबसे पहले रन किया जाता है, तो बस टाइम कंपेयर होता है। और ये नॉन प्रिम्प्टिव मेथड है, तो अगर एक बार प्रोसेस को एग्जीक्यूशन पर लग गई, उसको बीच में नहीं रोक सकते। ठीक है, थैंक यू।